आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मीनिंग क्या है, ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है। ह्यूमन राइट्स का मतलब है मानव अधिकार। वह अधिकार जो ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन होने के आधार पर मिले हैं, मानव होने के आधार पर मिले हैं। ह्यूमन राइट्स हमारे बर्थ लेने के बाद ही ऑपरेटिव हो जाता है। ह्यूमन राइट्स हमें बर्थ लेने के बाद ही हमें मिल जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी कास्ट से हम बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं, हम मेल हैं या फीमेल हैं या कौन सी नेशनैलिटी है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होता है, क्योंकि ये बेसिक राइट्स हैं किसी भी ह्यूमंस के लिए सर्वाइव करने के लिए सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में, कि कोई भी उनके नॉर्मल राइट्स को वायलेट ना कर सके। इट्स लाइक एन फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स। ह्यूमन राइट्स इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि लोग, दो ह्यूमंस हैं, लोग हैं, उन्हें उनके बेसिक राइट्स मिल सकें, जिससे वो लोग किसी से बिना डरे खुद का हुनर दिखा सके, जो मर्जी चाहे वो कर सके, एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सके बिना किसी डर के। ह्यूमन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स, नेचुरल राइट्स एटसेट्रा, लाइक बर्थ राइट भी कह सकते हैं। आप रीड कर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न इन डिग्निटी एंड राइट्स, दीज आर मॉरल क्लेम्स विच आर इनअलिनेबल एंड इनहेरेंट इन ऑल इंडिविजुअल बाय वर्च्यू ऑफ देयर ह्यूमैनिटी अलोन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, creed and place of birth, sex, cultural or any other consideration. These claims are articulated and formulated in what is today known as human rights. Human rights are sometimes referred to as fundamental rights, basic rights, inherent rights, natural rights and birth rights. अब पढ़ेंगे हम इसके डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज डी ऑफ द एक्ट डिफाइंस ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के अंदर As the rights relating to life, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India. Basically, इस definition में ये दिया गया है कि ये rights एक guarantee है humans के लिए कि वो अपनी जो चाहे वो कर सकते हैं constitution से, एक उनको proper फेथ है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि हमारे राइट्स ही वॉलेट नहीं हो सकते, हमारे बेसिक राइट्स हैं हमारे लाइफ स्पेंड करने के लिए। जैसे इस डेफिनेशन में बोला है राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी ताकि वो शान से अपने लाइफ जी सके बिना किसी के रोक टोक, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें गारंटी देता है कि कोई भी अगर जब तक वो कोई भी गलत काम नहीं करते तब तक उनके राइट्स के प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर क्या है ह्यूमन राइट्स का। तो 9 टाइप्स के कैरेक्टर्स नेचर है ह्यूमन राइट्स के। फर्स्ट क्या है, ह्यूमन राइट्स आर इनअलिनेबल। नोट कर रहा है अधिकार, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमंस का अधिकार। ह्यूमंस को ये अधिकार उनके जस्ट पैदा होने के बाद ही मिल जाता है, कोई बिना किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन को देखे हुए। जैसे ही वो पैदा होते हैं उन्हें हर टाइप का राइट मिल जाता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन एटसेट्रा। तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ह्यूमन राइट्स आर कन्फर्ड ऑन एन इंडिविजुअल ड्यू टू द वेरी नेचर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, दे आर इनहेरेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सेक्स एंड नेशनैलिटी। ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियल एंड नेसेसरी। ह्यूमन राइट्स बहुत ही ज़रूरी हैं ह्यूमंस की लाइफ में, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हमारे जो राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, उस पर कोई भी वॉयलेट कर सकता है, कोई भी अपना हुक्म चला सकता है ह्यूमंस पे, गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकती है। इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स द मोरल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल इज इम्पॉसिबल। ह्यूमन राइट्स आर ऑल्सो एसेंशियल एज दे प्रोवाइड सूटेबल कंडीशन फॉर मटेरियल मॉरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल। ह्यूमन राइट्स इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोग अपनी लाइफ चैन से बिता सकें बिना किसी के डर के, और वो अपनी लाइफ में तरक्की कर सके बिना किसी रोक टोक के। ह्यूमन राइट्स आर इन कनेक्शन विद ह्यूमन डिग्निटी। टू ट्रीट अनदर इंडिविजुअल विद डिग्निटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन इज मेल और फीमेल, रिच और पुअर एटसेट्रा, इज कंसर्न विद ह्यूमन डिग्निटी। फॉर एग्जाम्पल, इन 1993 इंडिया हैज इनेक्टेड अ लॉ दैट फॉरबिड्स द प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग Human excreta. This law is called Employment of Manual Scavengers and Dry Latrines Prohibition Act.
अब इस एक्ट में क्या है, ह्यूमन राइट्स इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि लोग शान से अपना जीवन व्यतीत कर सके, लोअर सेक्शन के भी लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर सके, वो लोग भी अच्छे से व्यतीत कर सके जो सैनिटेशन से रिलेटेड काम करते हैं। लोग उन्हें घृणा की नज़रों से देखते हैं। अगर ह्यूमन राइट्स ना हो तो लोगों का बस जो अमीर लोग हैं, जो उनसे नफरत करने वाले लोग हैं, जो उन्हें समझते अरे ये तो सैनिटेशन का काम करते हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो लोग उनका जीना मुहाल कर सकते हैं, जीना उन्हें परेशान कर सकते हैं। तो इस वजह से ह्यूमन राइट्स एंड कनेक्शन विद ह्यूमन डिग्निटी, ये कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स आर इरवोकेबल, ह्यूमन राइट्स आर इरवोकेबल, दे कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी पावर और अथॉरिटी बिकॉज दिस राइट्स आर ओरिजिनेट विद द सोशल नेचर ऑफ मैन इन द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बींग एंड दे बिलोंग टू अ पर्सन सिंपली बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बींग एज सच ह्यूमन राइट्स हैव सिमिलैरिटीज टू मॉरल राइट्स। को कोई भी छीन नहीं सकता, वापस नहीं ले सकता ह्यूमन से, ये ह्यूमंस का मानव अधिकार है जो उन्हें बर्थ से ही मिलता है, चाहे गवर्नमेंट क्यों ना हो, चाहे कोई भी बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो, वो किसी भी इंसान से उसका मानव अधिकार नहीं छीन सकता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, वो नहीं छीन सकते किसी भी ह्यूमन बींग से। हमारा कोई अधिकार नहीं है हम किसी भी सेक्शन के या किसी भी मध्यम वर्ग या छोटे वर्ग के किसी भी लोगों में से उनके मानव अधिकार का अहित करें या बुरा करें या उनसे उन अधिकारों को वापस छीनने की कोशिश करें। जैसे लिखा है दे कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी पावर अथॉरिटी बिकॉज दिस राइट्स ऑरिजिनेट विद द सोशल नेचर ऑफ मैन इन द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड दे बिलोंग टू अ पर्सन सिंपली बिकॉज इज अ ह्यूमन बींग्स। मानव अधिकार इसलिए मिले हैं क्योंकि हम पर्सन है, वी आर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन राइट्स हमें इसलिए मिले हैं क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, और कोई भी दूसरा ह्यूमन बींग किसी और के ही ह्यूमन बींग के राइट्स वायलेट नहीं कर सकता है। ये किसी भी अथॉरिटी को राइट नहीं मिला है, ये किसी ना जुडिशरी को राइट मिला है ना प्राइम मिनिस्टर को मिला है कि हम वो राइट्स वापस लें। अनटिल कोई भी पर्सन कोई भी गलत काम नहीं करता जब तक सोसाइटी का कुछ बुरा ना हो तभी वो राइट्स वापस ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ह्यूमन राइट्स आर नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ। ह्यूमन राइट्स ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, बेसिक लाइफ के लिए। ह्यूमन राइट्स आर अ पर्पस, द टर्म ह्यूमन राइट्स इज अप्लाइड टू दोज कंडीशन विच आर एसेंशियल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस पर्पस। नो गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू कर्टेल और टेक अवे द राइट्स विच आर सैक्रोनिस्ट इनवायबल एंड इमिटेबल। किसी भी गवर्नमेंट को राइट नहीं है कि वो किसी भी पर्सन का ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर सके या उनसे वापस लेने की कोशिश कर सके, बता चुकी हूँ मैं आपको। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, सिंपल है, ह्यूमन राइट्स मोनोपोली फॉलो नहीं करता। ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड के हर नेशन में फॉलो होता है क्योंकि एक बेसिक राइट्स है जो हर कंट्री में हर कंट्री के लोगों को चाहिए। ह्यूमन राइट्स आर नॉट अ मोनोपोली ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ पीपल। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर विदाउट कंसिडरेशन विदाउट एक्सेप्शन। दिस वैल्यू सच एज डिविनिटी डिग्निटी एंड इक्वालिटी विच फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस राइट्स आर इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर ज़रूरी है हर नेशन में ताकि लोग शान से इक्वालिटी के साथ रह सकें, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों के बीच में, इसलिए ह्यूमन राइट्स ज़रूरी है। ह्यूमन राइट्स आर नेवर एब्सोल्यूट, कभी भी लिमिटलेस नहीं होती। ह्यूमन राइट्स की भी अपनी एक लिमिट्स है ताकि जो ह्यूमंस हैं जो लोग हैं वो अपने राइट्स का गलत फ़ायदा ना उठा सकें, इसलिए उनके राइट्स के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ह्यूमन राइट्स ने कुछ मानवाधिकारों में कुछ रिस्ट्रिक्शंस करे हैं, कुछ लिमिट लगाई हुई है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड ही लिव्स इन अ सिविक सोसाइटी विच ऑलवेज पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्जॉयमेंट ऑफ हिज राइट्स एंड फ्रीडम्स। ह्यूमन राइट्स एज सच आर दोज लिमिटेड पावर्स और क्लेम्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कॉमन गुड एंड विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड गारंटेड बाय द स्टेट थ्रू इट्स लॉ टू द इंडिविजुअल। एज सच ईच राइट हैज सर्टेन लिमिटेशन। ह्यूमन राइट्स में जितने भी राइट्स सब राइट्स में कुछ लिमिटेशन दी गई हैं ताकि उन राइट्स को कोई भी ह्यूमन बींग गलत फायदा ना उठा सके। ह्यूमन राइट्स आर डायनेमिक, ह्यूमन राइट्स का जो नेचर है वो स्टेटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, दे आर डायनेमिक इन नेचर। ह्यूमन राइट्स गो ऑन एक्सपेंडिंग विद सोशो इको कल्चरल एंड पॉलिटिकल लेवल्स विद इन द स्टेट। ह्यूमन राइट्स रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कल्चर, सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग देशों में अलग अलग कुछ राइट्स डिफरेंट है। सर डायनेमिक में डेवलपमेंट के हिसाब से उसे एक्सपेंड भी करा जाता है, काफ़ी सारे राइट्स और जोड़े जाते हैं हालात को देखते हुए, मॉडर्निटी को देखते हुए कि हाँ ये आज के टाइम के हिसाब से ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो वो चेंज होते रहते हैं। चेंज होते नहीं है मीन्स जो पिछले वाले हैं वो तो सेम रहते हैं, उसमें और ऐड हो जाते हैं। राइट्स एज लिमिट्स टू स्टेट पावर। ह्यूमन राइट्स इंप्लाई दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ लेजिटिमेट क्लेम्स अपॉन हिज और हर सोसाइटी फॉर सर्टेन फ्रीडम एंड बेनिफिट्स। सब इंडिविजुअल को राइट है, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स फ्रीडम्स हैं, बट उनकी भी कुछ लिमिट है। वो अपनी इस पावर का कुछ भी गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते, उन्हें भी कुछ उनके राइट्स की लिमिटेशन दी गई है। और स्टेट पावर नोट करें, स्टेट पावर मीन्स किसी भी मतलब गवर्नमेंट की गवर्नमेंट या जो मिनिस्टर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए, वो किसी भी इंडिविजुअल का राइट वॉयलेट नहीं कर सकती। स्टेट पावर को भी अपनी कुछ लिमिटेशन दी गई हैं ह्यूमन राइट्स के अंदर। तो ये था ह्यूमन राइट्स जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।